हेलो एवरीवन, दो जो थ्योरीज हैं मोटिवेशनल थ्योरीज जिसको नीड हायरार्की थ्योरी और हम लोगों ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के नाम से पढ़ लिया है। दो थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब दो थ्योरी हम और करेंगे। टोटल चार थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हर्ज़बर्ग ने दी थी, टू फैक्टर थ्योरी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जो हर्ज़बर्ग का पूरा नाम फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग था, इन्होंने ये थ्योरी 1959 में दी थी। ये ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन, एम्प्लॉइज के अंदर जो है वो वर्क करने का क्या मोटिवेशन रहता है, क्या फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने ही एक कंसेप्ट दिया जो आज भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है। इसी थ्योरी को देते हुए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जॉब एनरिचमेंट का, कि जॉब को और ज़्यादा एनरिच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, जैसे कि जो एम्प्लॉय है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग, वो और मोटिवेशन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम कर सकें। तो टू फैक्टर थ्योरी 1959 में दी गई थी। इस थ्योरी में हर्ज़बर्ग ने दो तरह के फैक्टर्स, टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दिए थे। पहला फैक्टर जो था वो था मोटिवेशनल फैक्टर, दूसरा फैक्टर था मेंटेनेंस फैक्टर। दो फैक्टर थे, मेंटेनेंस फैक्टर एंड मोटिवेशनल फैक्टर। ठीक, मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर्स को हाइजीन फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। हर्ज़बर्ग ने इसको हाइजीन फैक्टर्स भी कहा था। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरविजन की क्या पॉलिसीज है, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इस किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे हैं, वर्किंग कंडीशन कैसी है, क्या सैलरी है, वेजेस है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, पर्सनल लाइफ वहाँ कैसे है, उस जॉब को करने से स्टेटस कैसा मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे वो मोटिवेशनल और मेंटेनेंस फैक्टर्स जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किए। अब हम जानेंगे कि मेंटेनेंस फैक्टर क्या होते हैं और मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मेंटेनेंस फैक्टर्स, जिनको हम हाइजीन फैक्टर्स भी कहते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो डिस्कम्फर्ट को, डिससेटिस्फैक्शन को, डिसकंटेंट को हटाते हैं। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ना होने पे जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो डिससेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगर ये फैक्टर्स नहीं है, ये फैसिलिटीज नहीं है, तो जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो डिससेटिस्फाई होगा, उसको डिसकंफर्ट फील होगा, डिसकंटेंट रहेगा। बट अगर ये फैक्टर्स हैं, ये फीचर्स हैं, ये फैसिलिटीज हैं, तो मोटिवेट नहीं होगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ये फैक्टर्स मोटिवेशन लाएंगे और एनर्जी से काम करने का, बट ये फैक्टर नहीं होंगे तो डिसकंटेंट रहेगा, डिसकंफर्ट रहेगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा। ये फैक्टर्स के रहने से कोई सेटिस्फैक्शन लेवल मोटिवेशन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। ये हो गए मेंटेनेंस फैक्टर, जिनके ना रहने से डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। मोटिवेशनल फैक्टर्स जो थे, ये वो फैक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और हाई जॉब सेटिस्फैक्शन को डेवलप करता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को और ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ काम करने के लिए जो है वो एनकरेज करते हैं। ये एनकरेजिंग फैक्टर्स होते हैं, ये जॉब सिक्योर जो है एक सेटिस्फैक्शन लाते हैं। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं वो एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन जो है वो जगाएंगे, मेंटेनेंस फैक्टर जो है वो डिसकंटेंट को हटाते हैं, डिसकंफर्ट को हटाते हैं, जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको हटाते हैं। बट मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं। देख लेते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, वर्क किस तरह का वर्क है, जॉब जो है वो एक्साइटिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है, जिसमें उसको फुल कंट्रोल मिला है या उसको वो पावर मिली हुई है, जिससे कि वो अपने तरीके से काम को कर सके या करवा सके, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ उस काम को करते हुए आगे उसका करियर कैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लेवल तक है, किस लेवल की अथॉरिटी उसको मिली है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोटिवेशनल फैक्टर्स में आती हैं। क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उसको एनकरेज करते हैं कि वो और अच्छा काम करे, जिससे कि ये और आगे लेवल पे मिल सके। मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं हर्ज़बर्ग के हिसाब से, वो इंट्रेंसिक होते हैं जॉब के, एंड जो मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं वो एक्सट्रेंसिक होते हैं। ठीक है,
एक्सट्रिंसिक का मतलब है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। अब हम मेंटेनेंस फैक्टर के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लाइटिंग, जो लाइटिंग है वहाँ की, लाइटिंग है, वेंटिलेशन है, क्लीनलीनेस है, आपकी सैलरी है, ठीक है, वेजेस हैं, ये जो हैं ये एक्सटेंसिव फैक्टर्स हैं जिनके ना, अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है, टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप डिससेटिस्फाइड रहोगे, डिसकंटेंट रहोगे कि हमें जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है, समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। बट अगर आपको सैलरी रेगुलर मिल रही है, एज पर द स्टैंडर्ड मिल रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप और हाई एनर्जी के साथ काम करोगे और हाई मोटिवेशन के साथ काम करोगे, ऐसा हर्षबक्त का कहना था। उनके हिसाब से जो सैलरी है वो एक मेंटेनेंस फैक्टर है, इसके रहने से डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन मोटिवेशन लाने के लिए इस तरह के फैक्टर्स, उनको एक करियर प्लान दिखाना होगा कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो इस पोजीशन तक, इस ग्रोथ तक जा सकते हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब देना, रिकॉग्निशन देना, रिवॉर्ड्स देना, इस तरह की चीजें जो है वो मोटिवेशन लाएंगी, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स थे, ये पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने डिफरेंस क्रिएट किया बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, दो फैक्टर्स जो हैं वो मेंटेनेंस एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, जो कि सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन के बीच में डिफरेंस क्लियर कर रही थी। दूसरा, जितने भी ट्रेडिशनल थ्योरीज आज तक की दी हुई थी रिसर्च में, वो सिर्फ और सिर्फ जॉब फीचर्स पे फोकस कर रही थी, लेकिन ये जो थ्योरी है ये ऐसे जॉब फीचर्स पे फोकस कर रही है जो कि एक्सट्रिंसिक ही नहीं है, इंट्रिंसिक भी है, और एम्प्लॉय अपने जॉब के लिए कैसा फील कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग है, वो सेटिस्फाइड है, कंटेंट है कि डिसकंटेंट है, वो कंफर्टेबल है कि हाईली एनकरेज है, इस तरह के फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जो डायरेक्ट एम्प्लॉय की फीलिंग को दर्शाते थे। ऑल्सो इन्होंने एक टैक्सोनॉमी, एक क्लासिफिकेशन जो है वो क्रिएट किया, जिससे कि सेटिस्फाइंग एंड डिससेटिस्फाइंग फैक्टर्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, यानी कि मेंटेनेंस जिनको हम हाइजीन फैक्टर्स बोल रहे हैं एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स में हमने कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो ये हमारी इससे पहले जो थी वो हर्ट्ज़बर्ग की जो थ्योरी थी, टू फैक्टर थ्योरी। Now, this is the fourth and last theory of motivation, that is Bloom's expectancy theory. ये थ्योरी विक्टर एच ब्रूम, जो कि कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर साइकोलॉजी में थे, 1964 में इन्होंने दी थी। ये जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव प्रोसेस पे फोकस कर रही है। इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, कॉग्निटिव प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि हम जब कोई चीज सोचते हैं, कि कोई चीज प्लान करते हैं, यानी मेंटल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो वो कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाता है। तो किस तरीके से, क्या प्रोसेस होता है जब कोई इंडिविजुअल जो है आउट ऑफ वेरियस ऑप्शंस, आउट ऑफ वेरियस चॉइसेस, इफ ही सेलेक्ट पर्टिकुलर ऑप्शन और इफ ही मेक पर्टिकुलर चॉइस, व्हाट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट स्टेप्स, क्या होते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें इन्होंने इस थ्योरी में आइडेंटिफाई की है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। ब्रूम ने जो है मोटिवेशन को एक्सप्लेन किया था एज अ प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज दैट वन सीक्स एंड वन जो है एक्सपेक्टेशन, एक की किसी एक एम्प्लॉय की या वर्कर की क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है उस रिवॉर्ड को, तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम ऑलरेडी एक फॉर्मूले के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है वो फॉर्मूला। तो ब्लूम के अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज इक्वल टू वेलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी। यहां पर ये प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स। नाउ लेट अस डिस्कस थ्री फैक्टर्स इन डिटेल। एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि यहां पर एम्प्लॉई जो है, जो वर्कर है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर वो डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एफर्ट करेगा, तो वो डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्म
जो परफॉर्मेंस है वो दे पाएगा, यानी कि अगर वो एफर्ट करता है, अगर उसने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट किया तो उसे रिक्वायर्ड या डिजायर्ड अमाउंट ऑफ जो परफॉर्मेंस है वो मिल जाएगी। ठीक, ये एक्सपेक्टेंसी है, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि उसको कितना एफर्ट करना चाहिए कि उसको एक पर्टिकुलर लेवल की परफॉर्मेंस मिल जाए। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है, ये वो बिलीफ है कि अगर एक एम्प्लॉई पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस करता है तो उसे डिजायर्ड आउटकम मिलेगा, यानी कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये वो है, यानी कि रिवॉर्ड पाने का जो एक तरीका है, एक मात्र तरीका है, वो है परफॉर्मेंस। इफ यू वॉन्ट टू अचीव अ पर्टिकुलर आउटकम, इफ यू वॉन्ट टू गेट पर्टिकुलर अवार्ड, यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, यानी कि रिवॉर्ड पाने का, आउटकम पाने का, गोल अचीव करने का एक ही तरीका है, वो है परफॉर्मेंस। ठीक, अब थर्ड जो है वो है वेलेंस। वेलेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, जो आउटकम आपको यहां मिल रहा है, जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 घंटे की जॉब की तो 10 घंटे की जॉब में आपको क्या एफर्ट करने हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेंसी, आपको 10 घंटे काम करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो आपको जो है एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी हो सकती है कि आपका इंक्रीमेंट जो है वो 5000 पर मंथ हो जाएगा। ठीक है, 5000 पर मंथ, ये आपकी रिवॉर्ड है या आउटकम है कि अगर आपने इस लेवल की परफॉर्मेंस की, 10 घंटे आपने काम किया, तो आपको ये पर्टिकुलर रिवॉर्ड यानी कि 5000 का इंक्रीमेंट मिल सकता है। ये दोनों चीजें हो गई। वेलेंस का क्या मतलब है, ये 5000 का इंक्रीमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है, अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो आप ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करोगे। अगर ये 5000 का इंक्रीमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम नहीं करोगे। तो ये वेलेंस जो है वो ये दिखाता है कि एक एम्प्लॉय, एक वर्कर, एक इंडिविजुअल उस रिवॉर्ड को कितना इंपॉर्टेंस देता है। देखो, किसी के लिए पैसा, मनी इंपॉर्टेंस हो सकता है, किसी के लिए रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड इस तरह की, या टाइमिंग्स, ऑफिस की टाइमिंग, वर्क फ्रॉम होम, इस तरह के जो है वर्क कल्चर, या जहां आप काम कर रहे हो वहां आपको क्या रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या डेजिग्नेशन मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो हर एम्प्लॉय, हर इंडिविजुअल के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग हो सकती है। तो वेलेंस उसी चीज को दिखाता है। ठीक, उसे पता है कि अगर वो एफर्ट करेगा तो परफॉर्मेंस एक लेवल तक पहुंचेगा। ठीक, ये उसकी एक्सपेक्टेंसी है, अगर परफॉर्म करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। बट वो जो एफर्ट कर रहा है उससे जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि नहीं है। अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो वो मोटिवेशन जो है उसका बहुत ज्यादा होगा। अगर वो जो आउटकम है, जो रिवॉर्ड है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मोटिवेशन भी उतना नहीं होगा। और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है वो उस रिवॉर्ड का, तो वो बिल्कुल भी मोटिवेशन के साथ काम नहीं करेगा। तो ये थी ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है।